मैं इसे नाव में लाने वाला हूँ। रही है अरमान, ये लट्ठे कैसे हैं? यहाँ तो काफी सारी लकड़ियां हैं। ऐसा बड़ी लहर की वजह से होता है और ये खतरनाक है। बड़ी लहर से तुम्हारा मतलब कितनी बड़ी? शायद वो लहर इस चट्टान की आधी ऊंचाई जितनी होगी। तो ये एक ऐसी नदी है जो कि झील में गिरती है। ये इलाका काफी पहाड़ी है और यहाँ कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश भी होती है। यानी कि जब बारिश होती है तो यहाँ पर बहुत सारा पानी तो आता ही है, लेकिन उसके साथ साथ इस तरह के बहुत बड़े बड़े लट्ठे भी नीचे पहुंच जाते हैं। इस पानी के नीचे आने के दौरान तो मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहूंगा। जानलेवा हमलावरों की लिस्ट लंबी होती जा रही है, तो मुझे इस बारे में किसी नदी में किस तरह के जीव हैं ये जानने के लिए मैं अक्सर वहां के बाजार जाता हूं और वहां मुझे काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। हफ्ते में एक बार कई कई किलोमीटर दूर से लोग यहां अपना सामान बेचने आते हैं। यहां तीखी मिर्चों से लेकर खाने लायक कीड़ों तक सब मिलता है। यहाँ मेरे सामने खारे पानी वाली कुछ मछलियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन मेरी दिलचस्पी नदी से निकाली जाने वाली मछलियों में है। तुम्हारे हिसाब से आज कौन सी मछलियाँ मिलने वाली हैं? ये जानने के लिए मुझे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा, और अगर मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ तो ये मेरे मेन सस्पेक्ट का छोटा रूप है। टापा, टापा लेंगे? तो ये है टापा मछली। आखिरकार मछलियाँ आ ही गई हैं। मैं धक्का मुक्की करके यहाँ आगे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इस मछली को करीब से जरूर देखना चाहूंगा। देखिए इसे, इसे देखने के लिए मैंने काफी इंतजार किया है। इसकी गहरे रंग की फोक टेल है। मुझे लगता है कि इससे शायद इसे एकदम तेज रफ्तार मिलती होगी, और ये बात उन कहानियों से मेल खाती है कि यह अचानक पानी से बाहर उछल जाती है। इसके पेट के नीचे के हिस्से पर काटने के निशान है, और जो लोअर जॉ है वो अपर जॉ से आगे निकला हुआ है। पानी से बाहर निकलकर शिकार पकड़ने वाली मछलियां ऐसी ही होती हैं, और ज्यादातर कैटफिश के उलट इसके मुंह में रास्पिंग पैड नहीं है बल्कि ये दांत है। जब ये शिकार को पकड़ लेती हैं तो वो भाग नहीं सकता, ये उसे निगल लेती हैं। ये सीधा इनके बड़े से मुंह में समा जाता है। इसके गले के पिछले हिस्से में क्रशिंग पैड्स मौजूद है। इसका पेट काफी लचीला होता है जो दो या तीन गुना तक फैल जाता है। इसके पेट में काफी ताकतवर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, तो पेट में जाने वाला कोई भी शिकार 24 घंटे में ही खत्म हो जाता है। ये काफी बड़ी हो जाती हैं। इनका वजन 68 से 90 किलो तक हो सकता है, यानी किसी इंसान जितना। ये मछली तो छोटी है। यहाँ ये सबसे बड़े साइज की टापा मछली थी। रॉसलैंड को लगता है कि किसी बेट फिश को पकड़ने के लिए सबसे अच्छी जगह होगी मेन रिवर। यहाँ कई छोटी मछलियों की प्रजातियां मिल जाती हैं, और इन्हें पकड़ने का सबसे फुर्तीला तरीका है जाल। इसको फोल्ड कर लेते हैं। इस तरीके को मैं काफी टाइम बाद इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये ठीक है, ओके। और ये तकनीक मैं थोड़ी बहुत भूल गया हूँ। आहा, बहुत ही बढ़िया। ये शायद गलत हो गया। कोई बात नहीं। फिर ट्राई करता हूँ। एक, दो, तीन। हाँ, बढ़िया। इस बार ठीक हुआ। चौथी कोशिश। अब मेरी कोशिशें बेहतर होती जा रही हैं। लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है, हमारे हाथ सिर्फ टहनियां ही लग रही हैं। तो अब मैं ये काम रॉजलैंड के हवाले कर रहा हूं। अरे वाह, मछली फंसी है। तीन है। ये शायद मासीर है। चलिए देखें, इसे कहते हैं रूम।
ये एक बढ़िया चारा साबित होगा। किस्मत ने साथ दिया तो टापा को ये बहुत पसंद आएगी। इधर टापा